हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अभी बज रहे हैं दिन के 2 और यहाँ पे मैं चावल जो है डिब्बे में भर रही हूँ। तो ये दावत चावल लेके आए हैं। हमेशा तो हम इंडिया गेट चावल खाते हैं, अब की बार ये लेके आए हैं तो बस हमें वही चावल अच्छे लगते हैं। वैसे ये भी अच्छे ही हैं पर एक आदत सी हो गई है बच्चों को, तो बस अभी लाए हैं तो इनको मैंने डिब्बे में भर दिया है। और यहाँ पे 2 बिस्किट के पैकेट बच गए हैं तो उनको भी मैंने रख दिया है। और अभी मैं जा रही हूँ, हमारे पड़ोस में कीर्तन है तो वहाँ बस थोड़ा टाइम जाऊँगी। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ सबके घर एक एक दिन होते हैं भजन। तो अभी आ गई हूँ मैं घर और अभी 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे सब ग्रेवी वगैरह बनाई हुई है। ये सब काम किया है कुसुम ने। तो आज हमारे बच्चों को खानी है पनीर भुर्जी, तो बस उसकी तैयारी ही आदि तो कर दी है कुसुम ने। और अभी मैं पहले तो चाय के जो बर्तन होते हैं उनको साफ़ कर दूँगी। किचन में मुझे कोई भी एक भी बर्तन होता है तो बस काम करने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने पनीर को ले लिया है, ये घर पे कुसुम ने बनाया है, बहुत अच्छा बना है। और फ्रेश पनीर तो अच्छा ही बनता है घर पे, हमारे यहाँ वैसे मिलता नहीं है तो हम हमेशा ही घर पे बनाते हैं, तो बस आदत सी हो गई है घर में बनाने की। और पनीर को मैं घिस रही हूँ और ये इसकी मैं बनाऊँगी भुर्जी। तो आधा मैंने घिस दिया है और आधा मैंने हाथ से मैश किया है क्योंकि ऐसे ना अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं पनीर को साइड में रख दूंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ तुअर की दाल, तो साथ साथ वही बन जाएगी दाल चावल और पनीर की भुर्जी और जाड़ी रोटी बना रही हूँ शाम के खाने में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल दिया है पानी में और दाल को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं तेल ले लिया है और तेल गर्म हो गया है तो अभी इसमें मैंने जीरा डाला है और ये ग्रेवी है प्याज की और हरी मिर्ची लहसुन सब है इसमें। तो अभी मैं इस ग्रेवी को अच्छे से पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर की ग्रेवी। तो बस थोड़ी थोड़ी ही डाली है मैंने, थोड़ी मैं तुअर की दाल में ले लूँगी। हमारे यहाँ तुअर की दाल बोलते हैं, कहीं अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने एक टमाटर ले लिया है कटा हुआ और एक मिर्ची ले ली है कटी हुई और टमाटर की ग्रेवी डाल दी है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सब इसमें मैंने डालना है और अच्छे से चला देना है। तो ग्रेवी को अच्छे से पकने देनी है, उसके बाद हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। अगर हम पहले डालेंगे तो ग्रेवी हमारी कच्ची रह जाएगी और सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। तो देखिए यहाँ पे तेल ऊपर आ गया है मसाले में, तो अभी हम इसमें जो वो पनीर को घिसा हुआ है वो इसमें डालेंगे और बस 5 मिनट हम चला के इसको रख देंगे तो हमारी भुर्जी रेडी है। तो ऐसे ना बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनी थी, तो आप ऐसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी बनती है और ख़राब भी नहीं होती है। आप इसको 2 दिन भी खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो बस ऐसे ही मैंने बस 5 मिनट इसको और पकाया है और अभी इसमें मैं धनिया पत्ती डाल दूंगी और सब्जी को मैं निकाल दूंगी और इसी कढ़ाई में मैं जो है छौंक लगा दूंगी तुअर की दाल का। तो बस अभी धोने की ज़रूरत है नहीं, इसमें मसाला ही तो है। तो देखिए भुर्जी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अभी मैं इसको ढक दे के रख दूँगी। तो भुर्जी रेडी हो गई है और अभी मैं यहाँ पे तेल थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, जीरा और थोड़ा सा वो जो लहसुन का और सब पेस्ट था प्याज का वो, और थोड़ी मैंने टमाटर की ग्रेवी भी रखी है तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस अच्छे से ग्रेवी को पहले हम पकने देते हैं, चाहे दाल बनाएँ कोई भी सब्ज़ी बनाएँ ग्रेवी वाली, तो पहले हमें ग्रेवी को अच्छे से पकाना है, उसके बाद हमें जो है मसाले ऐड करने हैं। तो अभी मैं ग्रेवी को अच्छे से पका दूंगी और अभी मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ, ऊपर से ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर
अभी डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हमें डालना है धनिया पाउडर। ज़्यादा जो है मसाले में कभी डालती नहीं हूँ, तो बस ऐसे ही। ज़्यादा मसाले वाले जो हैं बच्चे नहीं खाते हैं, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है मसाले वाले। तो बस यहाँ पे जो है मैंने बॉईल की थी दाल, वो डाल दी है। और अभी ना चावल के साथ पतली दाल अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है। और अभी एक दो उबाल के बाद जो है दाल रेडी है। तो बस यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं और पनीर भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो बस सबने वही खाई है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। तो अभी इना गर्मा गर्म रोटियां बना रही हूँ, सबको सब्जी बहुत अच्छी लगी, तो बस जाड़ी रोटी जो है कैंसिल कर दी थी और मैंने ना पतली रोटियां ही बनाई और यहाँ पे पापड़ सेक दिया है। और अभी मैं खाऊंगी खाना, सबने खाना खा लिया है, बस लास्ट में मैं खाती हूँ। हमेशा ही पूरा किचन का जो काम होता है वो करने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। पहले मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है सबसे, फिर खाना खाने के बाद हमें आलस आता है और फिर ना किचन का काम जो है वो रह जाता है। तो बस मैं ना सबसे लेट ही खाना खाती हूँ, सुबह भी लेट खाती हूँ और रात में भी लेट खाती हूँ। तो अभी ना मैंने किचन का सारा काम कर दिया है, मैंने बर्तन गैस सब साफ कर दिया है और अभी मैं खा रही हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो अभी कर रही हूँ एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।